और कोरोना वायरस की दहशत बरकरार, आवाम को कोरोना के खौफ से निकालने के लिए हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठा लिया। अब से हवाई अड्डों, सरहदों और बंदरगाहों पर माहिर नफ्सियात तैनात होंगे। इधर एयरपोर्ट्स और सरहदों पर हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के डर से आवाम को कैसे निकाला जाए, हुकूमत ने बड़ा कदम उठा दिया। हवाई अड्डों, सरहदों और बंदरगाहों पर माहिर नफ्सियात तैनात करने का फैसला किया गया है। उधर कोरोना से बचाव के लिए कराची एयरपोर्ट पर जरासीम कुछ स्प्रे किया गया। एयरपोर्ट पर अमले को मास्क के इस्तेमाल की भी हिदायत की गई है। PIA की जानब से मुसाफिरों में हेल्थ कार्ड की तकसीम जारी है। वजारत सेहत ने पाकिस्तान में दाखिले के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी करार दे रखा है। PIA ने चीन के लिए परवाजों की बंदिश 16 रोज बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी है। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक पाबंदी में तौसी या खात्मे का फैसला मार्च के आखिर तक किया जाएगा। पाक, ईरान और अफगान सरहद बदस्तूर मुअत्तल है। बाबे दोस्ती पर भी आमदरफ्त पर बंदिश बरकरार है। ताहम ताफ्तान में ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जारी है। करंटीना में रखे गए अफराद की तादाद 2500 से तजावुज कर गई है। जायरीन की 48 घंटों के बाद स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है। जायरीन के लिए मुख्तस पाकिस्तान हाउस मुसाफिरों से भर गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक दीगर मुसाफिरों को टाउन हॉल मुंतकिल किया जा रहा है।